तो ब्रेक के बाद उधर झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। हर दल अपनी अपनी जमीनी पकड़ को मजबूत करने में जुट गए हैं और इसी कड़ी में संथाल परगना से बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालने वाली है, जिसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, परिवर्तन यात्रा के संयोजक सांसद दीपक प्रकाश और सह संयोजक डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने प्रेस वार्ता किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 5 वर्षों के कार्यकाल में हेमंत सोरेन की वादा खिलाफी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। उन्होंने कहा कि न सहेंगे न कहेंगे बदल कर रहेंगे के नारे के साथ परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। परिवर्तन यात्रा में गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ प्रदेश स्तर के नेता भी मौजूद रहेंगे। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि परिवर्तन यात्रा के दौरान सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखा जाएगा। वहीं झारखंड की रोटी बेटी और माटी की रक्षा का संकल्प भी लिया जाएगा। प्रारंभ होगी प्रत्येक 6 प्रमंडल से 6 यात्रा प्रारंभ होगी और 6 यात्रा उस सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों से वो यात्रा गुजरेगी और 200 से अधिक प्रखंडों तक जाएगी। उस बीच में जहां रात्रि में लोग रुकेंगे तो वहाँ पर समाज के भिन्न भिन्न तबकों के लोगों के साथ भी, यानी मिलना जुलना जिसको कह सकते हैं, इंट्रैक्शन अंग्रेजी में शब्द होता है, हिंदी में मिलना जुलना होता है, इस प्रकार की यानी समुदाय के साथ भी बैठना। आज ये मेरा सौभाग्य है तो बाबूलाल मरांडी का बयान आपने सुना। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और फिलहाल झारखंड बीजेपी नेतृत्व जो है बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ रहा है। और अगर बात की जाए परिवर्तन यात्रा की तो आगामी विधानसभा चुनाव से पहले परिवर्तन यात्रा एक बहुत ही बड़ा यात्रा साबित हो सकती है, अगर इस यात्रा ने हेमंत सरकार को वाकई में मुश्किल पैदा कर सकती है आने वाले विधानसभा चुनाव में। एक तरह से देखा जाए तो परिवर्तन यात्रा के जरिए एक माहौल बनाने की कोशिश भी की जाएगी बीजेपी की तरफ से कि हेमंत सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो मैया समान योजना हो, चाहे वो अबवा आवास हो या फिर कई सरकारी योजनाएं, उन तमाम योजनाओं में खामियां गिनाने की पूरी कोशिश की जाएगी बीजेपी की तरफ से। और इस परिवर्तन यात्रा में देश के गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चंपई सोरेन और झारखंड के तो नेता मौजूद रहेंगे, राष्ट्रीय स्तर के भी कई नेताओं की मौजूदगी इसमें मौजूद रहेंगे, जैसे कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और वर्तमान में देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो झारखंड में फिलहाल अभी चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। इसी के साथ असम के मुख्यमंत्री जो चुनाव सहप्रभारी हैं झारखंड के, वो भी, उनकी भी मौजूदगी इसमें रहेंगी। हेमंत विश्व शर्मा और भी कई बड़े नेताओं की मौजूदगी इस परिवर्तन यात्रा के जरिए ये बताने की कोशिश कि आगामी विधानसभा चुनाव में झारखंड सरकार में परिवर्तन आने जा रहा है। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हम रुक करते हैं रांची संवाददाता सौरभ के पास, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, अगर बात की जाए परिवर्तन यात्रा की तो राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं की मौजूदगी से परिवर्तन यात्रा में रहेगी। हेमंत सरकार के खिलाफ आगामी विधानसभा चुनाव के पहले ये बड़ी रैली है, क्या ये माना जाए परिवर्तन यात्रा के जरिए क्या झारखंड में कितना परिवर्तन कर पाएगी बीजेपी और क्या पूरी तैयारी देखने को मिल रही है इस परिवर्तन यात्रा को लेकर? जी राकेश, परिवर्तन यात्रा विधानसभा चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाली जा रही है और यह काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि इसी परिवर्तन यात्रा के जरिए लोगों से कनेक्शन बनेगा भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेताओं का, हर प्रत्याशियों का। और आपके जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं इसमें तमाम राष्ट्रीय नेता मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की आने की भी सूचना है, आगामी 20 सितंबर को वो दुमका के भोगनाडी से परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे, यह जानकारी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और संयोजक दीपक प्रकाश ने दी है। राज्यसभा सांसद और संयोजक दीपक प्रकाश का कहना है कि परिवर्तन यात्रा के जरिए झारखंड सरकार के विरुद्ध
जो नीतियां निकाली गई थी उसको बताने की कोशिश की जाएगी। झारखंड सरकार लगातार युवाओं को ठगने का कार्य की है और इसी के लिए परिवर्तन यात्रा निकालकर बीजेपी बताने की कोशिश करेगी कि बीजेपी को एक बार मौका दे, बीजेपी युवाओं और महिलाओं के भविष्य को सुधारने का कार्य करेगी। तो परिवर्तन यात्रा हम कह सकते हैं कि एक बड़ी रणनीति की तरह निकालने की तैयारी है जो कि 81 विधानसभा से होकर गुजरेगी और ये एक महत्वपूर्ण यात्रा बताई जा रही है। सौरभ, एक अहम सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि चूंकि हेमंत सरकार के खिलाफ ये बड़ी यात्रा साबित हो सकती है अगर विधानसभा चुनाव में अगर परिवर्तन हो गया तो क्या लगता है ये परिवर्तन यात्रा कितने दिनों तक चलने वाली है? क्या चुनाव के पहले तक ये क्या कोई डेडलाइन भी तय की गई है? नहीं, ये 20 सितंबर से निकलकर 26 सितंबर तक चलने वाली परिवर्तन यात्रा है। परिवर्तन यात्रा कुल 81 विधानसभा सीटों तक निकाली जाएगी और ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के ग्रासरूट लेवल के जो कार्यकर्ता होते हैं मंडल लेवल के, वो भी इस परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने में जुट चुके हैं। युवा मोर्चा के सदस्य, महिला मोर्चा के सदस्य लगातार इस बैठक को लेकर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें बाहर से जो नेता आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए भी तैयारी है। आपके जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं, जो गढ़वा सीट है वो महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है बीजेपी के लिए। वर्तमान वो सीट जेएमएम के झोले में है, मिथिलेश ठाकुर वहां से मंत्री है, तो वहां वो सीट को साधने के लिए योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के मुख्यमंत्री। अब देखना होगा कि ये परिवर्तन यात्रा क्या झारखंड में बीजेपी परिवर्तन कर पाएगी इस यात्रा के जरिए। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।